Hello students, I am CA Harshita Riswani from HR Institute of Studies. Today we would be starting a new chapter in OC for Standard 12 student. The name of the chapter is Directing. Okay, so हमने planning पढ़ा, organizing पढ़ा, staffing पढ़ा, right? अब हम पढ़ते हैं directing के बारे में. Direction word, directing मतलब क्या है? किसी को direction देना. अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे वहां पे जाना है, so you will direct me to go straight then take a right. आप क्या दे रहे होंगे? Direction दे रहे हो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का. सो डायरेक्शन मींस किसी को डायरेक्ट करना कहीं जाने के लिए, कहीं तक पहुंचने के लिए. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज, राइट? तो हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. इन जनरल टर्म्स डायरेक्शन मींस टू गाइड द वर्कर, मेक देम अवेयर ऑफ देयर वर्क, सुपरवाइज देम एंड मेंटेन द एंथुसियाज्म फॉर द वर्क. अगर मैं जनरल सेंस में बोलूं तो डायरेक्टिंग करना मतलब वर्कर को गाइड करना. गाइड मतलब गाइडेंस देना कि ये तुम्हारा काम है, उनको अपने काम के बारे में बताओ, उनका काम सुपरवाइज करो कि वो लोग सही काम कर रहे कि नहीं, उनका एंथुसियाज्म बूस्ट करो कि वो हमेशा एंथुसियास्टिक रहे, राइट? ओके, अब हम डायरेक्शन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू कुंजो डिनल. कुंजो डिनल के हिसाब से डायरेक्टिंग इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट. बोला है कुंजो डिनल ने कि डायरेक्टिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जिस एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आप अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहे हो एंड ऑब्जर्व करो. मतलब पहले तो आप गाइडेंस करो कैसे करना है, फिर आप ऑब्जर्व करो कि आपका गाइडेंस वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं. तो गाइडेंस भी देना है और अगेन आपको ऑब्जर्व भी करना है, राइट? ओके, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर. अब अलग अलग डेफिनेशन है, मैंने आपको दो डेफिनेशन बता दी. आई थिंक इट इज मोर देन एनफ. डायरेक्शन मतलब इन शॉर्ट आप अपने वर्कर्स को गाइडेंस दे रहे हो, आप उनको बता रहे हो आपका काम क्या है, देन आप सुपरवाइज कर रहे हो कि वो गाइडेंस के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग. सो ऑब्वियसली डायरेक्टिंग एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. डायरेक्टिंग ऐसे ही कर रहे विदाउट एनी मकसद. गोल है ना, गोल क्या है कि आपका काम हो जाए. ठीक है, सो द पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग इज टू गाइड एंड मोटिवेट द एम्प्लॉइज विच लीड टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली डायरेक्टिंग क्यों करते हैं हम? एम्प्लॉयज को डायरेक्टिंग कर रहे जिससे वो लोग क्या बोलते हैं, गाइडेंस मिले उनको और वो मोटिवेटेड रहे. अगर उनको गाइडेंस मिलेगा और मोटिवेशन रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे. ठीक है, तो डायरेक्शन एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. तो अपन पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन. तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन का है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. क्या गोल है डायरेक्टिंग का? डायरेक्टिंग हम इसलिए करते हैं, डायरेक्टिंग करने से एम्प्लॉयज को गाइडेंस मिलता है. अगर उनको गाइडेंस मिलेगा वो काम अच्छे से करेंगे, काम अच्छे से करेंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. तो डायरेक्टिव हमने गोल अचीवमेंट के लिए किया. सो डायरेक्टिंग इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, राइट? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्शन तो देना पड़ता है. डायरेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द लेवल. टॉप लेवल मैनेजर डायरेक्ट डिपार्टमेंटल ऑफिसर रिगार्डिंग देयर टारगेट्स, देयर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर. इन द सेम मैनर एट द बॉटम लेवल सुपरवाइजर गिव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू फोरमैन, व्हाइल जॉबर्स एंड फोरमैन डायरेक्ट द वर्कर्स फॉर देयर कंट्रोल. मतलब बोला डायरेक्शन ना हर लेवल पे होता है. जो टॉप लेवल पे एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल हेड को टारगेट देते हैं कि आपको इतना काम ये महीने में कंप्लीट करना है, ऐसे कंप्लीट करना है, डायरेक्शन देते हैं. क्लियर? उसके बाद बॉटम लेवल पे क्या होता है, बॉटम लेवल पे जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो जॉबर्स को टारगेट देते हैं और जॉबर्स आगे वर्कर्स को टारगेट देते हैं, वर्कर्स को डायरेक्शन देते हैं. सो टॉप लेवल और मिडिल ऑफ की बॉटम, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्शन का काम तो होता ही है. इट इज द फंक्शन ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप होगी बॉटम, हर लेवल पे डायरेक्शन तो देना ही पड़ता है. सेकेंड इट इज फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. थर्ड, डायरेक्शन इन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपने एक बार डायरेक्शन दिया एम्प्लॉयज को, फिर छोड़ दिया, नहीं ना? डायरेक्शन देना, देखा कि वो लोग काम अच्छे से कर रहे कि नहीं, गलत कर रहे तो उनको सजेशन देना, फिर वापस डायरेक्शन देना. सो एज लॉन्ग एज बिजनेस विल कंटिन्यू, द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन विल कंटिन्यू. जब तक आपने के बिजनेस की एक्टिविटी कंटिन्यू है तब तक डायरेक्शन भी आपको देना ही पड़ेगा. डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द फंक्शन, प्रोसीजर, इंटरप्रिटेशन और पॉलिसी. दस डायरेक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. जब तक आपकी बिजनेस एक्टिविटी है तब तक डायरेक्शन का फंक्शन है. सो थर्ड वन इज डायरेक्शन क्या है,
continuous activity. ओके नेक्स्ट देखो हम लोग 9 पॉइंट है तो तीन तीन के सेट में करेंगे. तो पहला 3 पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा डायरेक्शन का. सबसे पहले डायरेक्शन को गोल अचीव करने के लिए करते, फालतू का नहीं, कोई गोल के लिए करते. डायरेक्शन गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी फिर हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए. इट इज अ फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और उसके बाद डायरेक्शन कंटिन्यूअस है, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. पहला गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, फिर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तीसरा कंटिन्यूअस एक्टिविटी. फोर्थ देखते ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन. The purpose of direction is to see that employees are working as per direction given to them. हमने यही बोला ना कि direction में आप अपने workers को direction दोगे, guidance दोगे और देखोगे कि वो आपके guidance के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं. तो यही बोला है कि direction में आपको देखना पड़ता है कि employees आपके direction के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं. Direction is not merely the process of getting, guiding and giving order, but it's a process of observing whether work is done as per the order. Direction मतलब किसी को order दे दिया या किसी को guidance दे दिया उतना ही नहीं होता. अगर आप अपने worker को guidance दे रहे हो कि इस machine को ऐसे operate करके मुझे try करो कि एक दिन में इतना production हो जाए, खत्म नहीं. तो आप एक दिन के अंत में जाके देखोगे ना तब प्रोडक्शन हुआ कि नहीं, तब जाके डायरेक्शन कंप्लीट होता है. सो डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता. डायरेक्शन में ये भी आता है आपको देखना कि वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा. सो भाई बोला है ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन. फोर्थ पॉइंट डायरेक्शन क्या है, ये अपना 3 पॉइंट का एक सेट हो गया. फोर्थ पॉइंट का सेट बनाते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन. फिफ्थ पॉइंट वाइडर स्कोप. डायरेक्शन की स्कोप वाइड है. इट इज नॉट मेनली गेटिंग एन एडवाइसिंग टू द एम्प्लॉय, बट मैनेजर हैज टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजन एंड पुट द एफर्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. मतलब ये बोला है कि डायरेक्शन को नैरो नहीं, इट इज वाइडर. डायरेक्शन में आपको बताना पड़ता है एम्प्लॉय को क्या क्या करना है एंड देन देखना पड़ता है कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं. क्लियर. सो डायरेक्शन का स्कोप इज क्वाइट वाइड. सो वाइडर स्कोप, वाइडर स्कोप. नेक्स्ट कम्युनिकेशन. डायरेक्शन में ऑब्वियसली यू नीड टू कम्युनिकेट ना, कि आप किसी को डायरेक्ट करो, गाइड करो, तो आपको उससे कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री कंडीशन टू गिव ऑर्डर एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉयर. अगर आपको एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना है, ऑर्डर देना, तो सबसे पहली बात आपको क्या आना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेट करना. आप ऑर्डर कुछ देना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया, कुछ और ऑर्डर चले गया, तो पूरा डायरेक्शन फेल हो जाएगा. सो डायरेक्शन के लिए सबसे फर्स्ट प्री कंडीशन ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफ कम्युनिकेशन नॉट इफेक्टिव तो इट इज डिफिकल्ट टू गिव राइट डायरेक्शन टू राइट एम्प्लॉय एट द राइट टाइम. अगर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ तो राइट इंस्ट्रक्शन राइट एम्प्लॉय को राइट टाइम पे देना मुश्किल हो जाएगा. सो ऑब्वियसली डायरेक्शन की प्री कंडीशन ये कि कम्युनिकेशन बरोबर होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो सिक्स्थ वन इज कम्युनिकेशन. ठीक है, ये तीन का सेट बना. अगेन क्या हुआ इसमें, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन. फंक्शन का ऑब्जर्वेशन मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि काम दे दिया, काम हो रहा है कि नहीं वो भी देखना, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन. उसके बाद स्कोप इसकी वाइडर एंड सिक्स वन कम्युनिकेशन होना चाहिए. सेवन मोटिवेशन. इट इज नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एफर्ट फ्रॉम देम. आप अपने एम्प्लॉय को इतना मोटिवेटेड रखो कि उस एम्प्लॉय से मैक्सिमम और अच्छे से अच्छा काम लेगा. अगर एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड रहेगा सो ही वोंट बी एबल टू वर्क ना. सो आप ऐसा मोटिवेशन प्रोवाइड करो एम्प्लॉय को कि उससे बेस्ट काम आप ले पाओ. हायर अथॉरिटी की पर्सनल गाइडेंस टू मोटिवेट एम्प्लॉय. सच गाइडेंस सॉल्व द प्रॉब्लम एंड डाउट्स ऑफ एम्प्लॉय, जनरेट फेथ इन देम, देयरफॉर दे मोटिवेटेड टू बेटर. हमेशा आप अपने एम्प्लॉय के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन करो, उनके प्रॉब्लम उनके डाउट को समझो. अगर इससे वो मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छा काम करेंगे. ठीक है, सो मोटिवेशन में यही बोलता है कि आपको अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना है जिससे आप उससे बेस्ट काम ले पाओ. उनके प्रॉब्लम उनके डाउट को पर्सनली सुनो और सॉल्व करो. क्लियर. सो सिक्स सेवेंथ वन इज मोटिवेशन. नेक्स्ट फ्लो ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन एक अपवर्ड प्रोसेस है कि डाउनवर्ड. डायरेक्शन एक डाउनवर्ड प्रोसेस है, ऊपर से नीचे आता है, ऊपर वाला नीचे वाले को डायरेक्शन देता है. सो दिस अ डाउनवर्ड प्रोसेस. इट ऑलवेज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डायरेक्शन का प्रोसेस डाउनवर्ड है, वो टॉप से बॉटम में जाता है. टॉप लेवल मैनेजर गाइडेंस देते हैं मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल गाइडेंस देते हैं
बॉटम लेवल को. सो द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन हमेशा टॉप टू बॉटम होता है, दैट इज डाउनवर्ड फ्लो होता है. टॉप लेवल ऑफ मैनेजर मिडिल लेवल को देता है, मिडिल लेवल बॉटम लेवल को. तो नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ डायरेक्शन कैसा होता है, डाउनवर्ड. नेक्स्ट एंड लास्ट इज मैनेजरियल फंक्शन. ऑब्वियसली प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग ये सब मैनेजमेंट की फंक्शन है, सो इट इज ऑल्सो मैनेजरियल फंक्शन. इसमें तो कुछ है ही नहीं इंपॉर्टेंट, मतलब इजी है मैनेजरियल फंक्शन. तो मतलब ये अगेन तीन का एक और सेट हो गया, जिसमें आ गया मोटिवेशन. आप एम्प्लॉय को मोटिवेटेड करो जिससे ज्यादा से ज्यादा काम मिल पाए. फ्लो ऑफ डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है एंड मैनेजरियल फंक्शन. तो तीन सेट्स अपन ने पढ़े. देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्शन स्टूडेंट्स हियर. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तीन के सेट का गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है. विजुअल करो, टेक्स्ट बुक में नीचे लिखा है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर है फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए, उसके बाद एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर जगह चाहिए हमेशा चाहिए. सो फर्स्ट इट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, सेकंड फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड कंटिन्यूस प्रोसेस. तो एक सेट कंप्लीट हुआ, आप दूसरे सेट पे फोकस करते. दूसरे सेट में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था वो था ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन. काम देखे ऑब्जर्व भी करो, उसकी स्कोप वाइडर है. काम देखे ऑब्जर्व करते तो वाइडर स्कोप बोली एंड बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन. सो ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन वाइडर स्कोप एंड कम्युनिकेशन. क्लियर, ये तीन सेट हो गया, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन वाइडर स्कोप एंड कम्युनिकेशन. एंड लास्ट थ्री सेट में आ जाता है मोटिवेटेड टॉक और मोटिवेशन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन डाउनवर्ड, एंड लास्ट में ओबीसी इज द मैनेजरियल फंक्शन. एमएम मोटिवेटेड मैनेजरियल फंक्शन डाउनवर्ड फ्लो, खत्म. तो ये 9 पॉइंट्स थे जिसमें अपन ने बहुत ही डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्शन पढ़ा. क्लियर. नेक्स्ट है डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या डायरेक्शन देना जरूरी है, क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर हाँ तो कैसे. सो उसके लिए अगेन अपन 9 पॉइंट्स और पढ़ेंगे जिससे अपन को पता चलेगा डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, ओके. सो लेट अस बिगिन विद द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन. ये कैरेक्टरिस्टिक्स से आप इंपॉर्टेंस पढ़ रहे, मिक्स मत कर देना कैरेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंस को. जितना पढ़ोगे उतना क्लियर होगा. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन. ओके, लेट अस स्टडी. सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, पहले मैं इंटू पार्ट यूज कर रही हूं. Efficiency of employee and business depend on direction. Achievement of business objective is possible by motivating employees. Okay, इसमें कुछ इतना वो नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख देना. सबसे पहला है increase in efficiency. A business organization became efficient only when proper direction regarding departmental function is given to employee. बोला है business तभी effective, तभी efficiently काम कर पाएगा जब आप अपने employees को उसके department के function, मतलब उसको क्या काम करना है उसके हिसाब से direction दे पाओ. अगर employer को पता ही नहीं उसको करना क्या, तो क्या company अच्छे से चल पाएगी? No. So एक organization तभी efficiently function कर पाएगी जब proper direction दिया जाएगा worker को उसके department का. Direction clarify the function of employee. डायरेक्शन से एम्प्लॉय का क्या फंक्शन है, उसकी कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब क्लियर हो जाता है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन तभी एफिशिएंटली काम कर पाएगी जब आप अपने एम्प्लॉयज को उसके काम के बारे में डायरेक्शन दोगे. डायरेक्शन देने से एम्प्लॉय को उसका फंक्शन पता चल जाएगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी उसकी अथॉरिटी कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पता चल जाएगी. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंक्रीज इन efficiency. Second is assessment of efficiency. आप efficiency बढ़ी के लिए वो देखो तो सही, assessment करो efficiency का. Assessment of employee work is done through direction. Direction से पता चल जाए कि employee का काम कैसा है. आपने पहले किसी को बोल दिया देखो ये काम ऐसे करना है, फिर आप देखोगे कि उसने वो काम ऐसे ही किया, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका वर्क एफिशिएंसी कितनी है. तो कोई भी एम्प्लॉय की एफिशिएंसी किससे पता चल जाएगी, डायरेक्शन से. देन इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज डन थ्रू डायरेक्शन. असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ मैटर्स लाइक कि वेदर एम्प्लॉय हैव डन वर्क एज पर डायरेक्शन और नॉट, हाउ मच वर्क इज कम्प्लीटेड, हाउ मच एफिशिएंसी इज इंक्रीज. मतलब बेसिकली डायरेक्शन से आप एम्प्लॉय का असेसमेंट कर सकते हो, आप उसकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर सकते हो ये देख के क्या वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि नहीं, कितना काम कर रहा है, कितना एफिशिएंटली कर रहा है, ये सब चीजों से आपको एम्प्लॉय का
असेसमेंट हो जाएगा. सो सेकेंड इज असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी. सेकेंड इज असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी. किसकी एफिशिएंसी असेस कर रहे हैं आप एम्प्लॉइज की. थर्ड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय. ऑब्वियसली एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे थ्रू डायरेक्शन. एम्प्लॉय कैन बी मेड अवेयर अबाउट प्रॉपर मेथड रूल पॉलिसी ऑफ बिजनेस. जब आप किसी एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे रहे हो तो वो एम्प्लॉय को उस कंपनी का मेथड, उस कंपनी की पॉलिसी, उस कंपनी के रूल्स पता चल जाएंगे तो उनकी काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा. सो ऑब्वियसली डायरेक्शन देने से एम्प्लॉय को कंपनी का मेथड, पॉलिसी, रूल पता चल जाएंगे, उसके वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली ही वुड बी मोटिवेटेड टू वर्क मच हार्डर. सो थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, तो अपन ने तीन पॉइंट पढ़े. ये एक सेट पढ़ा, पहले तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद इवैल्यूएशन हो रहा है, असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी हो रहा है. तो पहले तो कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, फिर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी का इवैल्यूएशन हो रहा है, असेसमेंट, एंड लास्ट में एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे. इंक्रीज इन एफिशिएंसी, असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. फोर्थ पॉइंट, इफेक्टिव प्लानिंग. ऑल द फंक्शन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी प्लान बाय वन पर्सन. अ प्लानर कैन चॉक आउट अ प्लान बाय कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू सबॉर्डिनेट. अब सपोज किसी को प्लानिंग करनी है, अगर एक कंपनी के रिलेटेड प्लानिंग करनी है तो अलग अलग एम्प्लॉयज से बातचीत करनी जरूरी होगी, अलग अलग एम्प्लॉयज से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो एक प्लान चॉक आउट कर सकता है, प्लान बना सकता है. सो ऑब्वियसली डायरेक्शन देने से प्लानिंग भी अच्छी हो जाती है. डायरेक्शन देंगे सब एम्प्लॉय से बातचीत होती रहेगी, सो प्लान अच्छे से बनेगा. सो फोर्थ पॉइंट इज इफेक्टिव प्लानिंग. प्लानिंग भी अच्छा हो जाता है. अब स्टूडेंट्स, अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन तब भी हो पाता है जब प्लानिंग अच्छी, तो प्लानिंग अच्छी तो ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिव. नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन मेन दो फंक्शन. आई मीन फर्स्ट दो फंक्शन. इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू डायरेक्शन एवरी एम्प्लॉय बिकेम अवेयर ऑफ हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, अगर डायरेक्शन देंगे तो हर एम्प्लॉय को पता चल जाएगा उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है. Therefore, orders and instruction given by boss are followed properly, जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगा. अगर आप डायरेक्शन दोगे तो एम्प्लॉय को पता चल जाएगा उसकी कितनी अथॉरिटी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अपने जो बॉस है उससे ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करेगा और पूरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हो जाएगा. सो फिफ्थ इज इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग अच्छे से हो गया, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से हो गया, तो भाई कोऑर्डिनेशन तो रहेगा. कोऑर्डिनेशन रहेगा और कोऑपरेशन, लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करेंगे. कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉय कैन बी मेंटेन बाय डायरेक्शन. एम्प्लॉय पर्सनल इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. एम्प्लॉय का जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको कंपनी के इंटरेस्ट के साथ मिक्स कर लो. एम्प्लॉय चाहता है मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए, कंपनी चाहती है मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए, दोनों को मिक्स करके एक प्लान चॉक आउट कर लो. तो बेसिकली आपको क्या करना है, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करना है. लीडर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय. ओके, सो बेसिकली जो लीडर डायरेक्शन दे रहा है वो अलग अलग एम्प्लॉय के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करके चलेगा. सो सिक्स पॉइंट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. कोऑर्डिनेटेड वे में काम होगा सीएनसी, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. तो ये तीन का एक सेट पड़ा, बहुत ईजी. प्लानिंग अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो गया, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हो गया, सब अच्छा हो गया. ठीक है, सो इफेक्टिव प्लानिंग, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट थ्री पॉइंट, फंक्शन ऑफ कंट्रोल. ये तो अपन को पता है, डायरेक्शन रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वर्क रिलेटेड मिस्टेक एंड एरर. ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक काम दे रही, मैं बोलूँ ये काम कर देना, सो यू आर लाइक, सपोज मैं बोलूँ ये आंसर लर्न कर दो, सो लाइक मैम कहां से लर्न करना है, कितना लर्न करना है, कितने मार्क में पूछेंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज़ेस इन योर माइंड. लेकिन अगर मैं पूछूं ये आंसर आप टेक्स्ट बुक के ये पेज पे है, उसमें से इतने पॉइंट्स लर्न कर लो, 5 मार्क में पूछेंगे, इतने पॉइंट लिख दो कि इनफ है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप एरर नहीं करोगे. लेकिन अगर ये बोलते ये आंसर लर्न कर लो, तो ये आंसर 5 मार्क आपने 2 मार्क जितने लर्न करते, क्या ये आंसर कुछ किसी और के साथ मिक्स कर लेते. तो जब डायरेक्शन मैंने पहले आपको दे दिया तो एरर होने के चांसेस कम हो गए, यही बात बोली है. देन इट बिकेम इजी टू गेट द वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज डन एज पर टारगेट, दस इट मेक कंट्रोलिंग इजी. सो अगर आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो तो वो ऑब्वियसली एरर कम करेगा. एरर कम करेगा तो आप टारगेट के हिसाब से काम ले सकते हो और कंट्रोल इजिली कर पाओगे. सो फंक्शन ऑफ कंट्रोल. सेवन पॉइंट इज फंक्शन ऑफ कंट्रोल. एक पॉइंट,
इंक्रीज इन एंथुजियाज्म. ऑब्वियसली अगर मोटिवेशन रहेगा तो एंथुजियाज्म भी इंक्रीज होगा. ड्यू टू डायरेक्शन देयर चांसेस चेंजेस इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर टुवर्ड्स वर्क. जब आप एम्प्लॉयर को डायरेक्शन दे रहे हो तो उनका काम के प्रति रवैया एटीट्यूड भी बदल जाएगा, उनका काम में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. दे कैन ब्रिंग सोल्यूशन इफ एनी हर्डल इज क्रिएटेड. अगर कोई बीच में रुकावट आए तो वो खुद का दिमाग यूज करके उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे. एज अ रिजल्ट देयर इज अ कंटिन्यूटी इन वर्क जिससे एम्प्लॉयर का एंथुजियाज्म बूस्ट होगा. मतलब यहाँ पे बोला है अगर आप एम्प्लॉयर को डायरेक्शन दे रहे हो तो क्या होगा, अगर वो काम करते करते कोई प्रॉब्लम में अटक गया तो वो बैठ नहीं जाएगा, मेरे को तो आ ही नहीं ना. वो खुद का दिमाग यूज करेगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उसको सॉल्व करेगा जिससे काम होता रहेगा और वो एंथुजियास्टिक रहेगा. सो ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस एंथुजियाज्म. एट इंक्रीजेस एंथुजियाज्म. नाइन्थ एंड लास्ट पॉइंट, फाइंडिंग ऑफ डेविएशन. डेविएशन मतलब डिफरेंसेस. अगर आपने एम्प्लॉय को बोला आपको ये करना है और आपने चेक किया उसने कुछ और किया तो क्या डिफरेंस है वो फाइंड करो. थ्रू डायरेक्शन इट कैन बी सुपरवाइज्ड विद द फंक्शंस आर डन एज पर द स्टैंडर्ड्स और नॉट. हम डायरेक्शन से ये बात जान सकते हैं कि जो आपने बोला क्या वैसे ही काम हुआ है कि नहीं. सो अनडिजायरेबल डेविएशन कैन बी रेगुलेटेड एट इनिशियल स्टेज. तो स्टार्टिंग में अगर कोई डेविएशन है, मतलब काम अगर अच्छे से नहीं हो रहा, जो आपका स्टैंडर्ड और जो वर्क है उसमें डेविएशन, आप उसको इनिशियल स्टेजेस पे करेक्ट कर पाओगे. फॉर बाय टेकिंग इफेक्टिव स्टेप डेविएशन को आप कंट्रोल कर पाओगे. मतलब से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बोला कि ये काम ऐसे कर देना और आपने उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया और उसने लास्ट में एकदम बिगाड़ दिया तो प्रॉब्लम. लेकिन आपने उसको बोला ये काम करते हैं, डायरेक्शन दिया ऐसे ऐसे करना, फिर आपने चेक भी किया को वैसे वैसे कर रहा है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको बता पाओ कि ऐसे नहीं ऐसे करना. सो क्या हो गया, पहले ही स्टेप पर डेविएशन करेक्ट हो गए. सो फाइंडिंग आउट डेविएशन. फाइंडिंग आउट डेविएशन मतलब ये इसमें हुआ, प्लानिंग इज सॉरी डायरेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल, उससे एंथुजियाज्म बढ़ता है, डेविएशन फाइंड आउट हो सकते हैं. तो तीन तीन के सेट में अपन ने नौ इंपॉर्टेंस पढ़े. पहला इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, दूसरा असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड तीसरा एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे. ये एक सेट हो गया. दूसरे सेट में पहला है इफेक्टिव प्लानिंग, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. एंड लास्ट का सेट में है फंक्शन ऑफ कंट्रोल, इंक्रीजेस एंथुजियाज्म एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन. ओके, सो ये था जब मैंने डायरेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया और उसमें डायरेक्शन होता क्या है, डायरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो पढ़ा. नेक्स्ट सेशन में अपन डायरेक्शन के एलिमेंट्स पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय.